हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि ममता जी की सरकार को उठाओ फेंको। बांग्लादेशी घुसपैठी उनको जो पनाह दे रहे हैं वो टीएमसी के नेता लोग हैं। ममता जी सरकार का दुरुपयोग करती है, ये लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो करते हैं उनको पनाह दे रही है। आप न्याय कीजिए उन महिलाओं के साथ, शेख शाहजहां को अरेस्ट कीजिए। शोले मूवी का एक डायलॉग है जिसमें गब्बर सिंह कहता है कि दूर दूर तक यानी 50-50 मील तक गांव में जब बच्चा रोता है तो उससे माँ कहती है बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। ये वो गांव है जो दहशत में जी रहा है, जहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खौफ के साए में हैं। ये तो हो गई फिल्म की बात, लेकिन रियल में वेस्ट बंगाल में एक जगह है संदेश खली, जो अभी पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ के एक टीएमसी के नेता हैं जिन पर बहुत बड़ा आरोप लगा है। उन पर आरोप है कि वो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते हैं और उनकी जमीनों पर भी कब्जा कर लेते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रामचंद्र राव। बहुत बहुत स्वागत है आपका आधान हिंदी में। तो अभी हाल में ही संदेश खली का आपने देखा होगा, जो मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, बीजेपी इसको किस तरीके से देखती है? पहले तो मैं ये समझता हूँ कि संदेश खली में जो हो रहा है वो एक नई बात नहीं है, कई सालों से वहाँ हो रहा है। और संदेश खली में नहीं, सारे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ की जनता आज टीएमसी की सरकार और टीएमसी सरकार के द्वारा प्रेरित कुछ नेता वहाँ पर वहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। खासकर वहाँ जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या घुसपैठी लोग जो वहाँ पर अवैध तरीके से फंसे हुए हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स ऑफ बंगाल एंड रोहिंग्यास, उनको जो पनाह दे रहे हैं वो टीएमसी के नेता लोग हैं। अब ये शेख शाहजहां ये भी एक ऐसा आदमी है जो 24 परगना में जो संदेश खली गांव जो है वो कम से कम कलकत्ता से मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर दूरी पर होगा, वो वहाँ पर आज इतने वहाँ पर औरतों का शोषण हो रहा है, वहाँ महिलाएं डर रही हैं, उनके जो ऊपर जो अत्याचार हुए हैं उसके बारे में पुलिस को रिपोर्ट तक नहीं लिखाते हैं। इस तरह का जब कोई कुछ हादसे सामने आए तो उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उसका बहुत विरोध किया। और जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे सांसद जब वहाँ गए थे तो उन्हें मारा गया, पीटा गया, पुलिस की मदद तो शेख शाहजहां को दिया गया। और आज सबसे जो बात हमें सोचने की मजबूर करता है वो ये है कि शेख शाहजहां के जो उनके गुंडे हैं वहाँ से गायब हो गए कुछ लोग, और शेख शाहजहां खुद लापता है। इतने मतलब घनौने घिनौने काम करने के बाद महिलाओं के साथ ईडी के साथ भी मारपीट की गई, वहाँ ईडी के साथ मारपीट हुआ है, वहाँ पर गवर्नर को लोग रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, केंद्र सरकार से जो बल सुरक्षा बल आते हैं उनको भी वहाँ काम करने नहीं देते हैं, और यहाँ तक कि पत्रकार भी यहाँ जाते हैं तो उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। और संदेश खली में जब भारतीय जनता पार्टी की एक टोली वहाँ गई थी जांच के लिए, उनको भी वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, रोका गया, उनके साथ छेड़छाड़ की गई। और जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो वहाँ के उनके सदस्य वहाँ पर गए थे, अब उनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही सरकार मतलब उनका ऐसे ही उनका जो परिवर्तन था, जो प्रवर्तन था उससे आज बंगाल में जो स्थिति है मैं समझता हूँ कि वहाँ एक जंगल राज चल रहा है। तो ये गवर्नमेंट का एक फेलियर माना जाएगा इसको? ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर ही नहीं, ये गवर्नमेंट इसको एंकरेज कर रही है ताकि उनके विरोध में कोई बात ना करे, उनके या उनके नेताओं के विरोध में कोई बात ना करे। ये एक राजनीति, एक मैं समझता हूँ कि एक कदम है टीएमसी की तरफ से कि वहाँ के लोगों को डरा जाता है, धमकी दिया जाता है इन गुंडों के हिसाब से। लेकिन ये मामला जब आप बता रहे हैं कि बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है, तो ठीक चुनाव के पहले ही बीजेपी ने इस मुद्दे को क्यों उठाया? हमने इसको उठा मुद्दा अभी कुछ लोग सामने आए हैं जो पुलिस पर रिपोर्ट दिलाए थे,
इससे पहले जब वामपंथी की सरकार थी वो भी ऐसे ही कर रहे थे, उनके समय पर भी वो दौर में भी ऐसे ही हुआ था। ये बात ये नहीं कि अभी अचानक आ गया, ये इज़ नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, इट इज़ अ कंटिन्यूस इंसिडेंट। ये बहुत सालों से चल रहा है, वहाँ पर लोगों पर अत्याचार चल रहा है, उनका शोषण हो रहा है, खासकर महिलाओं के ऊपर अभी अभी हाल में ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो इसीलिए बीजेपी ने उसका विरोध किया। इससे पहले हुआ हो, कई हुए हैं, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की सामने आकर। आज संदेश खाली में महिला सड़कों पर आ रहे हैं, शाहजहाँ के खिलाफ और उनके आदमियों के खिलाफ आज पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा रही हैं, और वहाँ पर जो राजनीतिक दल हैं वो आज उनके इन महिलाओं के साथ खड़े हैं। और खासकर आप पर राजनीति का आरोप लगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बीजेपी इस पर राजनीति कर रही है। अब ये बीजेपी एक राजनीतिक दल है, अब जब लोग उनके पास आते हैं तो उसको हम जब सरकार के सामने लाते हैं, जब सरकार उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाती है, कोई न्याय नहीं करती है, तो हम इसको सड़कों पे ले आते हैं। अगर TMC समझती है कि ये राजनीति है तो हम समझते हैं ठीक है, राजनीति समझ लीजिए, लेकिन आप न्याय नहीं दे रहे ना, आप इस राजनीति को रोकिए, आप न्याय कीजिए उन महिलाओं के साथ, शेख शाहजहाँ को अरेस्ट कीजिए। इसका ममता बनर्जी का तो कहना है कि जितने भी प्रोटेस्ट जो भी कर रहे हैं वो पेड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से शाहीन बाग में आरोप लगा था 500 रुपए की बिरयानी पे बिकने वाली महिलाएं, ऐसा बोला गया था उस वक्त में, उसी तरीके से इस बार आरोप ये लगाया जा रहा है कि वो पेड प्रोटेस्टर्स। शाहीन बाग में हुआ था ना, जॉर्ज सोरेस के पैसे से शाहीन बाग में वहाँ प्रोटेस्ट हुए थे, वहाँ पर हमने देखा था किस तरह से खेरा ने बात किया था, वहाँ पर किस तरह से वहाँ के JNU के विद्यार्थी खलील हामिद खलील किस तरह के वहाँ से भाषण दे रहे थे, ये सब तो भारत के खिलाफ। लेकिन इसी तरीके का आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें मतलब राजनीति के तहत महिलाओं को आगे किया गया है कि ऐसा बोलने के लिए। हम महिलाएं स्वच्छंद तरीके से अपने आप वॉलंटियरली सामने आ रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। तो ममता जी हर चीज़ में राजनीति देखते हैं, ममता जी पुलिस का प्रयोग करती हैं, ममता जी सरकार का दुरुपयोग करती हैं, ममता जी लोगों के ऊपर जो वहाँ पर अत्याचार हो रहा है जो करते हैं उनको मदद कर रही है, उनको पनाह दे रही है। ऐसे ही समय पर कोई सामने आने के लिए डरता है, डर रहे हैं, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं डरती है, इसीलिए आज हम उनके साथ खड़े हैं। इसमें राजनीतिक बात नहीं है, हम वहाँ के महिलाओं को न्याय दिलाना चाहते हैं और शेख शाहजहाँ को हम खटखरे के पीछे देखना चाहते हैं। तो देखा जाए तो बंगाल में ऐसा क्यों है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है? मैं समझता हूँ कि सरकार इसके पूरी जिम्मेदार है। सरकार पुलिस को पूरी छूट दे दिए, जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को काबू में लाने में असफल रही है। बंगाल में ये इंसिडेंट संदेश खली का जो हादसा हुआ है, संदेश खली से पहले भी कई जगह हुए हैं, आपको याद होना चाहिए। इसमें ब्रिजभूषण वाले मामले में देख लीजिए, उसमें तो बीजेपी आपकी सरकार थी, फिर उसमें कार्रवाई में इतना लेट क्यों लगाया गया, देर क्यों? देखिए, ब्रिजभूषण जो मामला है वो एक आरोप था, और उस आरोप के पीछे एक सुप्रीम कोर्ट ने एक इंक्वायरी बिठाई है, वहाँ पर एक पुलिस के ऊपर एक केस दर्ज हुआ है, अभी वो इंक्वायरी बाकी है, उसमें किसी के ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, किसी के ऊपर कोई आरोप जो है अभी प्रूव नहीं हुआ है, तो इसीलिए आरोप अलग है। अभी हम आरोप लगा रहे हैं, आप एक कमीशन लगाइए, हमने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमने पुलिस को पूरी छूट दी है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, तो इंक्वायरी होने के बाद क्यों आज नहीं हो रहा है? और हाल जो ब्रिजभूषण के मामले में जो चुनाव बाद में हुए थे रेसलिंग एसोसिएशन में, फिर ब्रिजभूषण के आदमी ने जीते वहाँ पर, तो जीतने के बाद फिर रद्द क्यों कर दिया? अलग बात है, वो अलग करना अलग बात है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, तो ठीक है सरकार ने सोचा रद्द कर दें। तो आप मानते हैं कि बीजेपी की सरकार में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कम हो रहे हैं? बीजेपी के शासन में हम सबका साथ सबका विश्वास सबका हम दे इस सूत्र से चलते हैं आगे, कहीं ऐसा होता है तो हम इमीडिएटली एक्शन, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारे शासन में लॉ एंड ऑर्डर पूरा 100% कंट्रोल है। अब देख लीजिए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहाँ पर किसी के ऊपर कोई आरोप लगा है तो इमीडिएटली उसके ऊपर जो है एक्शन हो रहा है, उसको जेल में डाला जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, अभी NCRB की रिपोर्ट आई थी, उसमें 2014 के वक्त में लगभग महिलाओं के खिलाफ जो भी अत्याचार हुए थे लगभग 38,000 केसेस थे, लेकिन वो बढ़ करके 2019 में लगभग 60,000 केस हो गए।
तो वहाँ तो आपकी सरकार तो वहाँ इतने सामने आए हैं ना, उन सबका एक्शन होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 10 साल में अगर बढ़े हैं तो उसके ऊपर एक्शन भी देखिए आप जी। ATR कहते हैं एक्शन टेकन रिपोर्ट। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आज इतने लोग क्यों दर्ज कर रहे हैं कंप्लेंट्स, क्योंकि सरकार पर उनको विश्वास है। इससे पहले सरकार को वो कंप्लेंट नहीं करते थे क्योंकि पुलिस पर विश्वास नहीं था। आज कहीं शोषण होता है, कहीं किसी पर अत्याचार होता है, वो डरे बगैर आज पुलिस के पास वहाँ पर रिपोर्ट करा रहे हैं, इसीलिए वो ज़्यादा रिपोर्ट डरे वहाँ पर। अब बंगाल में रिपोर्ट ही नहीं करने देते हैं, बंगाल में रिपोर्ट करने की आपको हिम्मत नहीं होती है। उत्तर प्रदेश में कम से कम औरत एक महिला जाकर पुलिस में अपनी रिपोर्ट दिखाती है और उस पर एक्शन होता है। पुलिस के मामले में सरकार दखल नहीं करती है। हाल में ही आपने ये भी देखा होगा कि अभी एक मामला आया था, जेल में प्रेग्नेंट हो रही है लेडी, मतलब औरतें जो है ना वो प्रेग्नेंट हो रही हैं वेस्ट बंगाल के जेल में। ये बहुत बड़ा इशू बना था कि जेल में कैसे महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही हैं। तो इस पर क्या गवर्नमेंट का ये क्या फेलियर है ये या नहीं है, ये इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सरकारी मुलाजिम जो होते हैं, सरकार में जो काम करते हैं, अगर वो पुलिस वाले हों, ये तो लाइट सिस्टम पे उंगली है ना। मैं वही बता रहा था, अगर उनके कस्टडी में कोई महिला है और उनके साथ ऐसा किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है, तो उसे कड़ी सी कड़ी सजा है, क्योंकि आपके भरोसे वहाँ पर महिलाएं कस्टडी में हैं और आप जब ऐसा काम करते हैं तो ज़रूर वहाँ पर एक्शन होता है। दूसरी बात यह है कि उसके ऊपर एक तो सामने आया आप उनके ये उनका गर्भवती होने का, तो सरकार ने उन पर एक्शन क्या लिया है? बात यह होता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि देखिए ऐसा हो रहा है, पहले भी हुआ था, ऐसा नहीं कहूँगा। अगर हो रहा है तो सरकार ने इस पर क्या एक्शन लिया है, किस पर उन्होंने एक्शन लिया है, किस अधिकारी को उन्होंने आज क्या कहते हैं ये अकाउंटेबिलिटी बताया है कि इसके कारण ये हो रहा है, दोषी उनके ऊपर क्या किया गया है, क्या उसको जेल भेजाया गया। हमने कई ऐसे इंसिडेंट देखे हैं किसी भी सरकार में हो, जब ऐसे इशू सामने आते हैं तो उस पर कार्रवाई होती है और उस कार्रवाई के बाद अगर पता चलता है कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कि ये आरोपी है तो उसको जेल भेजा जाता है, केस लड़ा जाता है, केस चलता है। वेस्ट बंगाल में कितने केस चले हैं, तो इसलिए बोलता है वहाँ सरकार जो है फेल्यूर हो चुकी है। महिलाओं को एक तो सुरक्षा दे नहीं सकती है, दूसरी तरफ जो है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर आज कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सब गेटिंग स्कॉट फ्री आफ्टर कमिटिंग क्राइम, और क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है आज बंगाल में बढ़ता जा रहा है। और किस लिए बढ़ रहा है इसका कारण मैंने बताया, मैंने वहाँ के घुसपैठियों को पनाह दे दिया जा रहा है, उनको वहाँ पर प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि वहाँ के लोग डरे, डर समय से रहे वहाँ पर और डर से सरकार के खिलाफ नहीं बोले। आज वो सरकार जो TMC है ऐसे लोगों को आज एंकरेज कर रही है, ऐसे लोग उनके पार्टी के नेता हैं, TMC के नेता, इसीलिए वहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रहे हैं। और ममता जी बोल सकते हैं ये राजनीति है, हो सकता है राजनीति इस बार लोकसभा में क्या फ़ायदा कुछ, मतलब इसका नुकसान हो सकता है ममता बनर्जी को कुछ? हम तो मानते हैं कि लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट BJP जीतेगी। हम पिछली बार सरकार में आते थे लेकिन क्या हुआ था, वहाँ पर बांग्लादेश के जो घुसपैठियाँ हैं और दूसरे जो लोग हैं पूरे और पूरी सरकार वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उन्होंने पूरा दुरुपयोग किया था सरकारी एजेंसीज़ का, इसीलिए कई जगह पर थोड़े थोड़े वोटों से BJP हारी थी और इसीलिए TMC आई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, पार्लियामेंट में वहाँ के लोग ममता से आज बहुत तंग आ चुके हैं और वहाँ पर भाजपा को अच्छी संख्या में जिताएंगे। तो BJP को कितने 42 में से कितनी सीटें आएंगी? पिछली बार में 18 आए थे, इस बार मैं समझता हूँ कम से कम 20-25 के आसपास आएंगे, कम से कम, ये मेरा कम से कम का मामला है। तो BJP की वहाँ के लिए क्या स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या प्लान है आपका? नहीं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है, हमारी स्ट्रेटजी ये है कि ममता जी की सरकार को उठाओ फेंको और सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षित करो। ये सुरक्षित कब महसूस होगी कि जब ममता जी जाएंगी, खुद महिला है लेकिन महिलाओं के बारे में सोचती नहीं है, वो तो अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में है। एक रीजनल पार्टी ममता सिंह लोक समस्या में कोई परवाह नहीं है, लेकिन अगर आज वेस्ट बंगाल की राजनीति का देखेंगे तो ममता जी की पूरी चाल जो है उनके भतीजे को आज मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश में है।
वो सबसे बड़ा आरोप उन पर भी लगा है कि अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज सारे उनके ही पार्टी के कई लोगों को वो अनदेखी कर रही है और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। उनके दिल में सिर्फ एक ही बात है कि टीएमसी फिर सरकार में आए, फिर राज चलाए और करप्शन ऐसे होते रहे। मोदी जी ने तो इस बार नारा दिया है, इस बार अब की बार 400 के पार, तो क्या लग रहा है 400 के पार जाएंगे आप? अगर आप देश की हालत देखेंगे तो आप बताइए मोदी के टक्कर में कौन आ सकता है प्रधानमंत्री? मैं कद में और उनके वेट मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ, मोदी जी का परफॉर्मेंस में देख लीजिए। और आज वहाँ पर राहुल गांधी जी कौन है चिरा? लालू प्रसाद को आप क्या मोदी जी का एक अल्टरनेट समझेंगे क्या? अब देखिए इंडिया अलायंस बनाए थे लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में या मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में, आज कितने उनके साथ हैं? अभी कमलनाथ का भी आ रहा है, अभी कमलनाथ का भी, अभी ठीक है वो अभी ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है इसलिए मैं उनकी ओर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश में देख लीजिए कांग्रेस की खुद के नेता गुलाम नबी आज़ाद से लेकर कल कमलनाथ तक कोई भी उनके नेता से कोई खुश नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता आज मोदी के पीछे है और देश की जनता मोदी जी के पीछे है। इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी इस बार फिर एक बार मोदी सरकार और हम करेंगे पार 400 से पार। लेकिन ये देखिए आप चूँकि बिलोंग करते हैं तेलंगाना से और देखा जाए तो हिंदी बेल्ट, अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे 3 हिंदी बेल्ट में बीजेपी की धमाकेदार वापसी हुई, बहुत अच्छे से जीत दर्ज की। लेकिन आप इस साउथ साइड में आ जाएं, इधर आ जाएं तो तेलंगाना में हार हुई, क्यों? नहीं, तेलंगाना में हार के कई कारण होते हैं। देखिए कर्ण जब मर गया था, कर्ण का जब वध हुआ था तो 100 कारण थे, यही हमारे पास कहावत है कि कर्ण के वध के कई कारण, कर्ण के मौत के कई कारण होते हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो दुगना हुआ है। पहले 7% था, अब 14 हुआ है। पहले 1 सीट था, आज 8 सीट है। इससे पहले भी जब 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी असेंबली में, लेकिन 4 सीट पार्लियामेंट में जीती है। तो इसीलिए पार्लियामेंट में जो नतीजे आएंगे वो अलग रहेंगे। पार्लियामेंट के नतीजे में राष्ट्र मुद्दा आगे आता है, राष्ट्र सुरक्षा पहले आता है और देश में जो प्रशासन है वो देखते हैं कि किस तरह का हमें प्रशासन मिल रहा है, किस तरह का गवर्नेंस हमें मिल रहा है। तो इसलिए लोग अपने सोच में रीजनल इलेक्शंस के विरुद्ध वो नेशनल इलेक्शंस में अपना वोट देंगे और बीजेपी को ज़्यादा वोट देंगे। साउथ में मैं बता रहा हूँ आपको कि साउथ में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो बीजेपी रहेगी। लेकिन आपने राष्ट्र की बात करी अभी कि राष्ट्र में ऐसे मतलब राष्ट्रीय मुद्दे को ज़्यादा देते हैं, फार्मर्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में, तो आप अभी सड़कों पर उतरे, फार्मर्स जितने भी सारे हैं वो पंजाब से कूच कर रहे हैं दिल्ली की तरफ, दिल्ली चलो का नारा दिया है, तो गवर्नमेंट इस पर क्या क्या रुख अपना रही है? अभी तक 5 बार उनसे बातचीत हो चुकी है, इसी हाल में 5 times जो उनके डिमांड्स हैं हमारे। देखिए आप पहली बार सोच लीजिए कि हमारी सरकार किसानों के साथ बैठ कर बातचीत कर रही है, हम उनको सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि आपकी जो मांगे हैं वो कुछ ऐसे राजनीतिक दलों की प्रेरणा से आप मांग रहे हैं जो कभी किसी सरकार ने दी है। आप अगर मोदी जी की सरकार के बारे में बात करेंगे तो इससे पहले MSP जो है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है प्रोडक्ट्स का, इससे पहले सिर्फ 3-4 प्रोड्यूस को देते थे, प्रोडक्ट्स को देते थे, फसल को देते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद वो MSP जो है आज तिगुना हो गया, ट्रिपल हुआ है, और 3-4 फसलों पे नहीं कई फसलों को उसमें वहाँ पर आज इंक्लूड किया गया है। 24 फसल टोटल अभी कभी नए नए फसलों को उसमें पल्सेस को उसमें ये सब अभी वो उसमें इंक्लूड करने के लिए डिमांड हो रही है। मैं समझता हूँ कि हर चीज़ को MSP नहीं हो सकता है, उसके मार्केटिंग कंडीशन होते हैं, उनके स्टोरेज कंडीशन होते हैं, कहाँ क्या उगता है, कब सीजनल होते हैं। तो इसीलिए जो है सरकार ने स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर उन फसलों को MSP दिया है और उन फसलों को समय से समय उसको बढ़ाते गई है। और आज जो किसानों की जो मांग है, तो क्योंकि अभी किसान तो किसान ही है और पिछली बार आपने देखा है कि किसानों के आंदोलन के बाद में हम उत्तर प्रदेश जीते हैं, किसानों के आंदोलन के बाद में हम हरियाणा जीते हैं, किसान के आंदोलन के बाद भी आज हम 3 राज्यों में जीते हैं। तो इसीलिए किसान हमारे साथ हैं, तो कुछ किसानों को भड़काया जा रहा है।
लेकिन किसानों को भड़काने वाले कौन है? ये कमीशन एजेंट्स हैं। ये कमीशन एजेंट्स जो ज़्यादातर उस प्रांत के ही लोग आज इस आंदोलन में शामिल है, वरना वही किसान संघर्ष समिति के तीन भाग बटे हुए हैं। एक भाग जो है आज सामने आ रहा है, बाकी दो इनके साथ नहीं है। किसानों पर आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, हरियाणा पुलिस देखिए, हरियाणा पुलिस हो या पंजाब पुलिस हो, कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए अपने अपने कदम उठाते हैं। तो हम तो कहेंगे कि किसान को हम रेस्पेक्ट करते हैं। जब आप दिल्ली में आए देखे थे किसान के आंदोलन में खालिस्तान के झंडे कैसे लहराए गए, वहाँ पर किस तरह से वहाँ पर विध्वंस किया गया था, वो तो किसान नहीं किए थे, किसानों के झुंड में कोई जाकर वहाँ पर इस तरह की परिस्थिति लेकर आए। किसान क्या खालिस्तान के लोग हैं क्या? नहीं है, लेकिन खालिस्तान के समर्थक उस किसान आंदोलन में घुसकर अपने अपने झंडा उड़ाए थे, आपने देखा था वो। तो इसका मतलब क्या है? हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों के भड़काने के जो लोग हैं हम उनके विरोध में हैं। तो इसका लोकसभा चुनाव पे कुछ असर पड़ सकता है? जरूर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? मैंने बताया आपको, उसी किसान के आंदोलन के समय पर हरियाणा हमने जीता है, उत्तर प्रदेश हमने जीता है, और तीन राज्यों में अभी हाल में जो चुनाव हुए थे उसमें भी हम जीते हैं, और किसान हमारे साथ हैं। मोदी जी आने के बाद किसानों के जो हाल हैं, किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, किसानों के जो इनकम है वो बढ़ गई है। आज आप हर गांव में जाइए, वहां पर आज आपको जो यूरिया का जो शॉर्टेज होता था कांग्रेस के टाइम पे, आज मुफ्त मतलब नीम कोटेड यूरिया किसानों को मिल रहा है। आज फसल बीमा योजना यहाँ पर चल रहा है। आज किसानों के लिए किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना इस देश में कभी नहीं था, करोड़ों किसानों को आज वहाँ पर सालाना 12,000 रुपया उनके खातों में जा रहा है। इस तरह के किसान किसी ने सोचा भी नहीं था। किसानों के जितने भी इनकम है उसको डबल करने की बात की गई थी 2022 तक, लेकिन इसको अब बढ़ा दिया गया है, और बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर रहे हैं महाराष्ट्र में। अब डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ किसान जो हैं वो आत्महत्या बढ़ गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में नहीं, तेलंगाना में है, आंध्र में है, तो ये होना नहीं चाहिए, लेकिन कारण क्या है इसका, उसके लिए प्रदेश की सरकार को भी सोचना पड़ेगा। प्रदेश की सरकार ज़्यादातर इसकी जिम्मेदार होती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर है वो कंकरेंट लिस्ट में होती है, और किसानों का जो वेलफेयर होता है, किसानों के बारे में जो सोचने का होता है, जो यहाँ से गोडाउंस होते हैं, जो उनके क्या बोलते हैं, जो अलग तरह के उनके बारे में जो विधि विधान होता है, उनके नियम बनाते हैं, ये सब के प्रदेश सरकार का होता है काम, तो इसीलिए दोषी प्रदेश सरकार को हम मानते हैं। और महाराष्ट्र में अगर पिछले सरकार और पिछले समय से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो है किसानों की खुदकुशी की संख्या कम हुई है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो विदर्भ प्रांत में और कई जगह पर किसान आत्महत्या करते थे, अब आत्महत्या की संख्या कम हो चुकी है। किसानों का जो आज इनकम लेवल है वो बढ़ गया है। अगर आप देखेंगे, हाँ, राजनीतिक दल को क्रिटिसाइज कर सकता है, इतने मतलब बाढ़ आने के बाद, इतने मतलब कुछ प्रांतों में सूखा होने के बाद, फिर भी किसान जो है आज अपने फसल को उगा रहा है, और आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि आज गेहूं और चावल जो है प्रोडक्शन बढ़ गया है, और आज इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को उगाने का ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो है बढ़े हैं। राइस को हमने इतना मतलब रोक के रखा कि भारत का राइस इतना एक्सपोर्ट हो रहा था कि यहाँ पर शॉर्टेज होना शुरू हुआ, तो हमने उसे एक्सपोर्ट को बंद किया था, और ऐसा मतलब इतने मतलब किसान को बेचने का जो अवसर मिल रहा है, किसान को जो प्रोड्यूस करते हैं स्टोरेज के लिए जो गोडाउंस बने वो जो बड़े हैं, मतलब अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसीलिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को हमने एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री बताया उसको, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज किसान संतोष है, किसान के पक्ष में आज ये सरकार काम कर रही है। ठीक है, ले आप चूंकि आप एक वकील भी हैं, तो संदेश खली में जो अभी हो रहा है उस पर लीगल तौर पे क्या किया जा सकता है, कैसे उसको, कोई ऐसा उपाय है जिससे महिलाओं पे हो रहे अत्याचार को कैसे रोका जा सकता है? एक तो है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के पास जो आज कंप्लेन दर हैं, वो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को अपनी तरह से कार्रवाई करने का पूरा अवसर एक देना चाहिए। दूसरा, जिन जिन महिलाओं ने कंप्लेन दिया है उनके आरोपियों को मतलब इमिडिएटली उनको कानून के
कक्ष में ले जाना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनको यहाँ और प्रोटेक्शन देना चाहिए। और पुलिस वालों से ये कहना वहाँ पर ज़रूरी है कि जो भी कंप्लेंट आता है उसका FIR किया जाए, और FIR नहीं करते हैं तो उनको न्याय नहीं मिलेगा। और एक तीसरी चौथी बात यह होगी कि वहाँ के जो सारे भी जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि वास्तवता बाहर आ सके। वहाँ पर शेख शाहजहाँ को अरेस्ट करना चाहिए, उनके आदमियों को अरेस्ट करना चाहिए, और वहाँ पर लोगों में एक विश्वास दिलाना चाहिए कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, वरना संदेश खली के लोग डरते रहेंगे, जीते रहेंगे। तो ऐसा जैसे देश में महिलाओं के खिलाफ क्राइम बढ़ रहे हैं, ये तो उनके लिए क्या कुछ लॉज ऐसे आने चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए लॉज में जिसमें महिलाओं ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर सकें? नहीं, ये तो आपने सही बात कहा। अभी तो हाल ही में संसद में एक नई संहिता को लाया गया है, हमारे जो IPC को बदल दिया गया है, नए कानून लाए, तीन नए कानून लाए, पेनल कोड के लिए, CRPC के लिए और एविडेंस एक्ट के लिए। ये तीन में नहीं, उसमें महिलाओं के जो खिलाफ जो अत्याचार करता है खड़ी सी खड़ी सजा है। तो अभी कानून में बहुत बदलाव, हमने यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट हुए हैं, उसमें लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का निर्माण हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में चेंज हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसमें जजमेंट दिए हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अन्याय होता है तो महिलाओं के स्टेटमेंट का ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए। और इसीलिए नए जो अभी कानून लाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, मैं समझता हूँ ये कानून जरूर महिलाओं को न्याय दिलाएगी। तो इससे मुझे एक चीज़ और याद आ गया, UCC पे आपका क्या कहना है? देखिए, UCC एक ऐसी चीज़ है जो भारत देश में कई तरह के धर्म होते हैं, कई तरह के जाति हैं, कई तरह के भाषा के लोग हैं, कई प्रांत हैं यहाँ पर, हमें विविधता में एकता हमारी एक पहचान है। और जब विविधता में एकता है हमारी पहचान है, जब हमारे पास हर तरह से एक कानून होता है, जैसे क्रिमिनल केस का एक कानून होता है, और उसीलिए सब लोगों को एक ही तरह का न्याय मिलना चाहिए, तो इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारतीय जनता पार्टी मानती है कि देश में कानून एक होना चाहिए, चाहे वो सिविल लॉस हो या क्रिमिनल लॉस हो, खासकर फैमिली लॉस और प्रॉपर्टी लॉस में। आज कुछ मजहब के लोगों को, कुछ धर्म के लोगों को, आज महिलाओं को खासकर और बच्चों को खासकर न्याय नहीं मिल रहा। तो इसीलिए अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया तो यहाँ के जो बहुसंख्यक लोग हैं वहाँ के लोगों के बराबर का जो न्याय है वो दूसरे लोगों को मिलेंगे। जैसे बताता हूँ तो कि फिर इसमें मुसलमान इसके अगेंस्ट क्यों? मुसलमान अगेंस्ट इसलिए है कि वो समझते हैं कि उनके धार्मिक मामलों में ये एक दखल अंदाजी, ये गलत है। अब देखिए, आप यूरोप में जाइए, क्या कानून मुसलमान के लिए अलग है? वहाँ पर नहीं है ना। अगर आप जाएंगे पाकिस्तान ही जाइए वहाँ पर, तो पाकिस्तान में जो कानून है वो उनका कानून अलग है, वो एक शरीयत पर नहीं चलता है वहाँ पर। यहाँ देवबंद को एक बोलता है, फिर फतवा देते हैं, कुछ और लोग फतवा देते हैं, ऐसा कानून नहीं चलता है। एक देश में एक कानून होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्त्री को अगर न्याय मिलता है एक हिंदुओं को, तो वही मुसलमान स्त्री को भी न्याय मिलना चाहिए, और वही ईसाई धर्म को मान लिया। मैं एक बात बताता हूँ आपको कि पहले जो क्रिश्चियंस महिलाओं को अगर डाइवर्स लेना था तो लेने के लिए सिर्फ जो है एक ही ग्राउंड था, वो है अडल्ट्री एक ही ग्राउंड था, और अडल्ट्री के साथ साथ अडल्टर को पार्टी बनाना था, वो एक ही ग्राउंड था। जब अरुण जेटली जी लॉ मिनिस्टर बने थे तो इस कानून को बदल गया, कई क्रिश्चियन आर्मी से बात किए और सब ने मान लिया। आज हिंदू लॉ में जो डाइवर्स के ग्राउंड्स हैं, आज क्रिश्चियंस में भी आज ग्राउंड्स वही हैं। तो न्याय मिला नहीं मिला एक बात है, मैंने डाइवर्स की बात नहीं बोल रहा, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो अब देखिए, तलाक है, मुसलमान में तलाक है, तलाक तीन बार अगर आप बोल देंगे तलाक नामा, और आप मेहर का जो अमाउंट दे देंगे, और वहाँ पर किसी मौलवी के पास आप बता देंगे कि आपस तलाक हो गया, वो महिला को कोर्ट में जाने का हक भी नहीं मिलता है। और उसे प्रॉपर्टीज़ के बारे में सुन लीजिए, देख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ में ये होता है कि मुस्लिम वुमेन को प्रॉपर्टी कहाँ से मिलता है, और वही अडॉप्शन मुस्लिम्स में नहीं है, अडॉप्शन से क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियनिटी में अडॉप्शन नहीं है, तो ये चीज़ें में कैसे हो सकता है? तो लोगों को एक तरह का मतलब सिविल लॉस भी होना चाहिए। तो इसके सोचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सरकार को
और हमारे कानून में है, ये अपना अपने संविधान में है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए धीरे धीरे देश में, तो मानते हैं कि इससे किसी धार्मिक मामला में, किसी मजहब के व्यक्तिगत मामले में कहीं दखलंदाजी नहीं है। सबको अपना अपना धर्म मानने का अपना अधिकार है, लेकिन जो कानून बनते हैं इस देश में सबके लिए एक ही कानून। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है कि आपको रिलीजन का फ्रीडम है, तो ऐसा मानना है बहुत सारे लोगों का कि फ्रीडम छीना जा रहा है उनसे धर्म के नाम पे। ये रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, राजनीति की। आपको मस्जिद जाइए, आप नमाज पढ़िए, आप अपने जो शरीयत है वो पढ़िए, आप जो कुरान है आप पढ़िए, कौन रोकता नहीं है आपको। लेकिन जब आपके हकों के बारे में आता है, आप इस देश में रहते हैं, आपके बगल के महिला को कुछ और हक मिलता है, आपको कुछ और हक मिलता है, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं होना चाहिए। तो सबको एक ही कानून होना चाहिए। ये बराबरी का मामला है, दखल अंदाजी का मामला नहीं है। हर मजहब के लोगों को न्याय मिलेगा और किसी के मजहब में किसी को दखल अंदाजी करने की कोई। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर मजहब के लोगों को यहाँ पर आदर सम्मान के साथ दिया जाता है। यहूदी आए थे हमारे देश में, पारसी आए थे हमारे देश में, मुसलमान आए थे हमारे देश में, ईसाई आए थे हमारे देश में, सारे देश में आप विश्व में देख लीजिए, भारत में जो आप अल्पसंख्यक जो खुशी हैं इस देश दुनिया में कहीं नहीं है, यहाँ पर है सिर्फ। आपने फ्रांस में देखा होगा किस तरह से वहाँ, आपने लंदन में देखा होगा किस प्रकार से वहाँ के माइनॉरिटीज़ पर जुल्म होते हैं, आपने कई देशों में देखा होगा। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सारे दुनिया के लोगों को यहाँ पर पनाह दी है और उनको अपने जीने का अपना स्वेच्छा दी है और अधिकार दिया है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि UCC अगर लाया जाए सब धर्म के लोगों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।